संत श्री मुरारी बापू के दिव्य मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उनका नाम ही अद्भुत है। जिस प्रकार तुलसी के बिना प्रभु चाहे 56 भोग 36 व्यंजन हो आप समर्पण करें, जब तक तुलसी उसमें अर्पित नहीं की जाए, तुलसी जब तक छोड़ी नहीं जाए तब तक प्रभु उसे ग्रहण नहीं करते। चाहे पत्र फल पुष्प कुछ भी हो और उसमें तुलसी का स्पर्श आपने करा दिया तो प्रभु उसे अवश्य ग्रहण करते। तुलसी प्रभु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी में भौतिक दृष्टि से भी हम यदि विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो तुलसी में अपरिमेय शक्ति है, असीम शक्ति है। आयुर्वेद में दो पदार्थों के लिए विलक्षण विवेचन किया है, एक तो तुलसी, दूसरा निम्ब। निम्ब के लिए कहा कि सर्व रोग हरो निम्बः। सर्व शब्द का प्रयोग किया है, सर्व समस्त यावन मात्र जितने भी रोग हैं, चाहे वो शरीरगत रोग हों या हमारे इस शरीर में निवास करने वाला मन हो, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, इन समस्त त्रिविध तापों का निवारण करने वाला निम्ब है। इसलिए सर्व शब्द का वहां प्रयोग किया आयुर्वेद में कि सर्व रोग हरो निम्बः, समस्त रोगों का हरण करने वाला निम्ब है। इसी प्रकार तुलसी की अनंत असीम महिमा है। तुलसी के बिना प्रभु की सेवा, जिस सेवा के क्रम में अभी आपने बापू के द्वारा प्रभात बेला में मंगला आरती प्रभु की होती है, नीराजन होता है उस समय से लेकर और रात्रि पर्यंत शयन पर्यंत जो अष्ट याम सेवा का क्रम है, बिना तुलसी के वो समस्त सेवा संपादित नहीं होती। तुलसी प्रधान है और तुलसी के कारण प्रभु को सालग्राम स्वरूप धारण करना पड़ा और तुलसी उन पर वैदिक मंत्रों के द्वारा, पौराणिक मंत्रों के द्वारा और गोपाल मंत्र के द्वारा तुलसी समर्पण किया जाता है। तुलसी दल, तुलसी दल को चंदन से चर्चित करके और प्रभु के 108 तुलसी दल, 1008 तुलसी दल आप समर्पण करें तो उसकी तो अनंत और असीम महिमा है। जैसे तुलसी की महिमा है, इसी प्रकार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की महिमा है। संसार के यावन मात्र चराचर समग्र प्राणियों के मंगल के लिए, लोक मंगल कैसे हो, समस्त प्राणियों जो संसार दावानल से दंडयमान अवस्था में हैं, जिनका अस्त व्यस्त जीवन है, विश्रमखलित जीवन है, उनका जीवन स्वस्थ हो, पावन बने, उत्तम बने और किस विधा से वे अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति क्षराक्षरातीत निखिल जगद अभिन्न निमित्त उपादान कारण सर्वनियंता सर्वांतरात्मा भगवान सर्वेश्वर
श्री राधा माधव के चरणार बिंदों की ओर कैसे अग्रसर हो सकें, इसके लिए श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरित मानस का प्रणयन किया। और विलक्षण बात है, आपके नाम में तुलसीदास जी नाम है, तुलसी तीन अक्षर हैं और उधर दास जी लगा, हम जी के साथ बोलते हैं तो उसमें भी तीन अक्षर आते हैं, गोस्वामी आते हैं उसमें भी तीन अक्षर आते हैं। रामचरित मानस में श्री राम तीन अक्षर और फिर चरित में तीन अक्षर, मानस में तीन अक्षर और इधर मुरारी बापू में भी मुरारी तीन अक्षर आते हैं।